जुलम के जाब्ते जादबासी को इंसाफ दो, जादबासी को इंसाफ दो, अफजल बात कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जफीर बाबा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे। नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर, नाराय रिसालत या रसूलल्लाह। हम नहीं मानते जुलम के जाब्ते, हम नहीं मानते जुलम के जाब्ते। इजाज़ अबासी को हम नहीं मानते जुल्म के जाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के जाब्ते। अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जायद बसर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, जायद बसर कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जफीर बाबा कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिनार प्रेस क्लब गुलकर के बाहर, यहाँ पर जो आज आज़ाद कश्मीर बार में इस्लामाबाद में जो 5 अगस्त को यूम इस्तेहलाल के मौके पर सीनियर साफ़ी रोज़नामा सदा चिनार के एडिटर एजाज अब्बासी के साथ जो डिप्टी डायरेक्टर PID की जानब से नारा सलूक किया गया था, इस हवाले से आज आज़ाद कश्मीर बार में एहतजाज किया जा रहा है। तो चिनार प्रेस क्लब गुलकर के बाहर भी साफ़ी भाई एहतजाज कर रहे हैं, तो इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ प्रेस फाउंडेशन के मेम्बर रमीज़ अख्तर राजा साहब मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनका एहतजाज का क्या मकसद है और क्या पैगाम देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिटर रोज़नामा सदाए चिनार व आज़ाद कश्मीर के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम एजाज अब्बासी साहब पे डिप्टी डायरेक्टर PID इस्लामाबाद आसम खिची और उसके किराए के गुंडू की तरफ से तशद्दद के बाद उन पर झूठी जाली FIR की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हुए आज़ाद कश्मीर बार की सहाफ़ती बरदरी और आज़ाद कश्मीर बार के प्रेस आज एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। उसी सिलसिले में चिनार प्रेस क्लब गुलपुर भी अपने साफ़ी भाई और सीनियर साफ़ी भाई एडिटर रोज़नामा सदाए चिनार एजाज अब्बासी साहब के साथ इजहार यकजहती करते हुए भरपूर मजम्मत उनके साथ होने वाले तशद्दद की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम चिनार प्रेस क्लब गुलपुर पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस नाखुशगवार वाक़े में मुलव्वस अहलकारान के ख़िलाफ़ इंक्वायरी कमेटी बनाएं और इस मामले का इस एजाज अब्बासी के साथ होने वाली ज़्यादती का अजाला करें। एक तरफ तो हुकूमत पाकिस्तान 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती मना रही है, दूसरी तरफ PID में बैठे हुए भारतीय एजेंडे पे काम करने वाले अहलकारान जो कश्मीरी अखबार के मोज़ज़ तरीन और सीनियर सहाफ़ी एडिटर रोज़नामा सदाए चिनार के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं, और दूसरा 14 अगस्त जब पूरे पाकिस्तान समेत रियासत जम्मू और कश्मीर में सरकारी सतह पर पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ आसम खिची जो अपनी बदमाशी चमकाए हुए PID में रियासती अखबारात को इश्तियारात से ब्लैकआउट कर रहा है, और हाल ही में आज रात को उसने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जो इंतकामी कार्रवाई की बदतरीन मिसाल है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के अखबार रोज़नामा सदाए चिनार और कश्मीर टाइम्स को PID की लिस्ट से फारिग किया गया। हम इस तरह के हथकंडों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर बार पाकिस्तान बार की सहाफ़ती बरदरी एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद है, और इस तरह के हथकंडों को रद्द करते हुए हम भरपूर जवाब देंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि 5 अगस्त के दिन, जिस दिन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा था, तो उसी दिन जो कश्मीरी साफ़ी हैं उनके साथ ये नारा सुलू किया गया, तो हमारे साथ फहीम राजा साहब मौजूद हैं, इस वाले से उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान में जो साफ़ियों पर ज़ुल्म व सितम हो रहा है उसकी शदीद अल्फाज में मज़ाहमत करता हूँ, और मैं समझता हूं, और ये जो सहाफ़त है ये रियासत का चौथा सतून है, तो मैं समझता हूं कि इस सतून को अगर कोई नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या इस पे ज़ुल्म और सितम करेगा या किसी भी तरीके से इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा तो हम ये चीज़ नहीं होने देंगे, हम जो है इसकी भरपूर मज़ामत करेंगे। तो मैं हनीफ अब्बासी साहब पे एजाज अब्बासी साहब पे जो तशद्दुद हुआ और जो भी उनके साथ मामला पेश हुआ, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मदामत करता हूँ, और चिनार प्लस क्रब गुलपुर को
मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि ये आज अपने साफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने गुफ्तगू सुनी तो आप अभी हमारे साथ हैं यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आज़ाद कश्मीर के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब आरिफ साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से अपने साफ़ी भाई एजाज़ बासी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे जो उनके साथ जो सलूक किया गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं एजाज़ अब्बासी साहब के साथ इस नारवा सलूक की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके दोस्त, आपके भाई आपकी खातिर जान की बाजी भी लड़ने के लिए तैयार हैं। इज़्ज़त सबसे ज़्यादा बंदे के लिए आम होती है और इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला की देन होती है। किसी को इस तरह दबाने से इसको इज़्ज़त कम नहीं होती। मैं समझता हूँ कि एजाज़ अब्बासी साहब के लिए ये एक आजमाइश का वक्त है और आपके दोस्त, आपके भाई आपके साथ खड़े हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह बाकी तंजीमें भी आपके साथ भरपूर सपोर्ट कर रही हैं, PFUJ कर रही है, बाकी दस्तूर अलग कर रहे हैं, उसके बाद CUJ कर रही है, AJK UJ की तरफ से भी हम आपको भरपूर यकीन दिलाते हैं कि आप हमारे भाई हैं और आपके साथ जो ज्यादती हुई है वो आपके साथ नहीं, कश्मीरी साफियों के साथ ज्यादती हुई है और ये एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। पाकिस्तान की सालमियत की जंग कश्मीरी भी लड़ रहे हैं और 5 अगस्त को जब हम भरपूर मजम्मत कर रहे थे इंडिया के उस एक किरदार की जिसके उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है और साल मुकम्मल हुआ था, उसी दिन हमारे साफ़ी भाई और सीनियर तरीन साफ़ी के साथ इस तरह का नारवा सलूक, इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और PAD को ये एक बात ज़रूर बावर कराना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो होता है ये साफियों के लिए और हुकूमत के दरमियान पुल का किरदार अदा करता है। जब पुल की यह सूरत हाल हो तो फिर किरदार की हम क्या मिसाल दे सकते हैं। ये इंतहाई जुल्म बर्बरियत का काम है और किसके साथ ही बदमाशी की एक और इंतहा कि FIR भी काटी गई। हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आज तक हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ इंसाफ के लिए पुरअमन तरीके से एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है। उसी जुर्म की पादाश में सदाए तनार के साथ और कश्मीर टाइम के साथ दोबारा ज्यादती की गई और PID की लिस्ट से उन्हें फारग कर दिया गया। ये भी नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, साफ़ी नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ। हम ये समझते हैं कि जो इस तरह के उच्छेद कंडे हैं या साफियों को दबाने के लिए किए जाते हैं, सच के लिए जान की बाजी भी लड़नी पड़ती है और जान भी देनी पड़ती है। इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं, हम अपने भरपूर हक के लिए एहतजाज जारी रखेंगे और सदाए चिनार कश्मीर और तमाम कश्मीरी अखबारात के जो चीफ हैं उनको ये यकीन दिलाते हैं कि आपके भाई आपके दोस्त आज़ाद कश्मीर बार में मौजूद हैं और आप जब भी कॉल देंगे भरपूर एहतजाज करेंगे और आपके हक के लिए इंशाल्लाह हम अपनी जान तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इनका कहना है कि PID एक ऐसा अदारा है जो साफियों और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है और उसकी जानिब से ये अगर साफियों के साथ नारो सलूक किया जाए तो ये समझ से बाहर है। तो हम अपने प्यारे भाई एजाज़ अब्बासी के साथ हैं और इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं। तो हमारे साथ चिनार प्रेस क्लब गुलपुर के सदर डॉक्टर मुजम्मल ज़ैदी साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे भी जानेंगे कि वो अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले मैं अपने साफी भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुख्तसर काल पर वक्त दिया। चिनार प्रेस क्लब रावलपिंडी में होने वाले हमारे सीनियर साफ़ी एडिटर सदाए चिनार एजाज़ अब्बासी पर PID के करिंदों के जुल्म व ज़्यादती और FIR कराने पर हम भरपूर मजामत करते हैं और एजाज़ अब्बासी साहब को मैं और अपनी पूरी टीम की तरफ से पूरी हमायत और हर तरह के तावन का यकीन दिलाता हूं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि एजाज़ अब्बासी को इंसाफ फराहम किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि जो इस्लामाबाद में 5 अगस्त को यूम साल के मौके पर हमारे सीनियर साफ़ी एजाज़ अब्बासी के साथ नारा सलूक किया गया है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि इस बात का फौरी नोटिस लें और जो मुतलका इस इशू पर जो इंक्वायरी कायम की जाए और एजाज़ अब्बासी को मुकम्मल तौर पर इंसाफ मुहैया किया जाए। आज़ाद कश्मीर के जितने भी साफ़ी भाई हैं अपने अपने प्यारे भाई एजाज़ अब्बासी के साथ हैं और इस अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं और जब तक इस एजाज़ अब्बासी को इंसाफ फराहम नहीं किया जाता तो हम अपने साफी भाई के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरह आग की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।